प्यारे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका सी यू डी पी लर्निंग चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस समय हम विद्या क्वेश्चन बैंक कक्षा 10 के साइंस के सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं और अभी जो हमारा कारवां चल रहा है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न लिए जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पहले पार्ट के बहुविकल्पी प्रश्नों को किया था, आज हम दूसरे पार्ट के बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। अगर आप यूपी बोर्ड सन 2021 में हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम माने बोले तो सी यू डी पी लर्निंग, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम दूसरे पार्ट के बहुविकल्पी प्रश्नों के सॉल्व को देखते हैं, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं दूसरे पाठ में जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, ठीक है। और ये रहा इसका पहला प्रश्न, बड़े ध्यान से देखिएगा, उत्तर पहले से दिया होता है लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा। क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन रंग फिनाप्थलीन सूचक का रंग होता है, तो ये ऑलवेज याद रखिएगा, फिनाप्थलीन का अम्ल में कोई रंग नहीं होता है, ये भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, और क्षारीय विलयन में इसका रंग लाल होता है, याद रखिएगा। निम्न में प्रबल क्षार है, तो मैं दो प्रबल क्षारों का नाम बता रहा हूँ, याद रखिए कि NaOH और एक KOH, तो यहाँ पर KOH ऑप्शन में है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, KOH, ठीक है। निम्न में दुर्बल अम्ल है, तो मैं आपको तीन प्रबल अम्ल का नाम बताऊंगा, इनको हटाकर दुर्बल मिल जाएगा, HCl, HNO3 और H2SO4, इन तीनों को हटा दीजिए, ये सब प्रबल है, तो आपका HCl मिल जाएगा। कभी प्रबल अम्ल पूछता है तो इन तीनों को याद रखिए, वहां पर बता दीजिएगा। अगला आपका है एस्टिक अम्ल, एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि पहला ऑप्शन इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, दूसरा इसके आयनन की मात्रा कम होती है, तीसरा यह एक कार्बनिक अम्ल है, चौथा यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जितने कार्बनिक अम्ल होते हैं वो दुर्बल होते हैं, लेकिन ये रीज़न यहाँ पर लिया नहीं जाएगा, यहाँ पर लिया जाएगा आयनन की मात्रा इसकी कम होती है, और जिनके आयनन की मात्रा कम होती है वो दुर्बल होता है। अगर आयनन की मात्रा वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम कार्बनिक अम्ल पर टिक करते, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11, 14, 16, 19 और 20 में पूछा गया। H2S विलयन का pH मान होगा, अम्लीय विलयन का pH मान है, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है, तो यहाँ इन सभी तीनों प्रकार के प्रश्नों में एक बात कॉमन है कि तीनों अम्ल हैं और अम्ल का pH मान संभवतः 7 से कम होता है, ऐसा ऑप्शन में जरूर लिखा होगा, आइए हम लोग इससे चेक करते हैं। लिखा है 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर सी 7 से कम पर टिक मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्ल का 7 से कम, क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा, तो आप इसे रट्टा थोड़ी मारेंगे कि 10 होगा, याद करिए कि लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है, तो आपको उत्तर मिलेगा, तो लाल लिटमस पेपर को नीला क्षार करता है, और क्षार का पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक केवल 10 ही है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, एक अम्लीय विलयन का पीएच मान 5 है, सॉरी एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन है, तो आप ध्यान दीजिएगा यह विलयन अम्लीय होगा, क्योंकि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय विलयन होता है, जैसा कि अभी सभी प्रश्न पीछे 2-3 प्रश्नों में इसी तरह की चर्चा हुई है। नेक्स्ट नंबर, 10^-6 कैपिटल MSCl विलयन का पीएच होगा, तो याद रखिए बच्चों पीएच जो वैल्यू है जितनी घात माइनस में रहेगी मोलर कॉन्सेंट्रेशन की उसका प्लस वैल्यू ले लीजिए घात वाली, वही आपका पीएच होगा। और पीएच के क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो मैंने यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड एक वीडियो डाला था अम्ल क्षार लवण का, वहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया, वहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी इसके लगवाए हैं, आप जाकर वहाँ से इस वीडियो को देख लें और समझ लें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10^-2 है, इस विलयन का पीएच मान होगा, तो बच्चों हमने अभी अभी ऊपर बताया कि जितना उसकी नॉर्मलता या मोरलता होती है उसी को हम एज इट इज लिख देंगे, वही हमारा पीएच होगा। तो ये ऑप्शनल प्रश्न में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, आप इनका ध्यान जरूर दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 11 में हम पहुंच चुके हैं, लिखा है इसमें एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1×10^-7 मोल प्रति लीटर है, इसका पीएच मान होगा, तो जाहिर सी बात है 7, अभी अभी हमने आपको बताया तीन प्रश्न एक ही तरह के थे। शुद्ध जल का पीएच मूल्य है, ये आप रट लीजिए 7 होता है, बहुत बार पूछा गया, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा
कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। उदासीन के लिए देखिए 10^-7 मोल प्रति लीटर होना चाहिए और पीएच वैल्यू 0 होना चाहिए। तो देखिए यह शायद H+ आयन के सांद्रण का मूल्य 10^-7 मोल प्रति लीटर, OH- के आयन सांद्रण का मूल्य भी 10^-7 मोल प्रति लीटर, पीएच वैल्यू 0, ये तीनों तो सत्य हैं। तो जाहिर सी बात है असत्य अगला होगा, पीएच का मान 7 कभी हो ही नहीं सकता। सॉरी गलत बताया, पीएच का मान 0 जो है अम्लीय विलयन के होता है, पीएच का मान 7 ही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1×10^-12 मोल प्रति लीटर है, इस विलयन का पीएच होगा। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोक्साइड दिया रहेगा, तो पहले आप OH निकाल लीजिए, POH, तो POH 12 आएगा क्योंकि 10^-12 लगा है, और उसके बाद 14 में से उस अंक को घटा दीजिए, 14 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा आपका 2, ठीक है। आगे चलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। तो देखिए किसी भी अम्ल में वे परमाणु अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु बोले जाएंगे जो वियोजित हो जाते हैं, हाइड्रोजन के वे परमाणु जो वियोजित हो जाते हैं। तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन वियोजित होते हैं, इसलिए इसकी अम्लीय परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2। नेक्स्ट नंबर, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। तो जाहिर सी बात है अंडे के कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट से वो क्षारी प्रकृति का होता है, तो लवण तो क्रिया करेगा नहीं, ये भी लवण है और ये भी लवण है, तो जाहिर सी बात है जो क्षारी प्रकृति का होता है उससे अम्ल क्रिया करेगा, तो HCl इसका आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट नंबर है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, इसका तो बिल्कुल नहीं करेंगे, एनालजेसिक, पीड़ाहारी, इसका भी नहीं यूज करेंगे, एंटी एसिड, जी हाँ एसिड उत्पन्न होता है तो उसका एंटी मतलब दुश्मन ही हम यूज करेंगे, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, एंटीसेप्टिक बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। देखिए आपका एंटी एसिड यहाँ पर उत्तर में दिया भी गया है। नेक्स्ट नंबर, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धावन सोडा देखिए 5 यौगिक ऐसे हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, धावन सोडा, खाने का सोडा, बिरंजक चूर्ण, और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इनके सूत्र आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। धावन सोडा का सूत्र Na2CO3×10H2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट आपका निम्न में अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण वही होगा जिसमें एच होगा, तो देखिए इनमें एच नहीं, इसमें एच नहीं, इसमें एच नहीं, इसमें एच है, तो ये आपका अम्लीय लवण होगा। नेक्स्ट नंबर, पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो बिरंजक चूर्ण आपका ऑप्शन होगा, और इसका फार्मूला CaOCl2, ये आपका सही होगा। देखिए ब्लीचिंग पाउडर, अंग्रेजी से हम बिरंजक चूर्ण भी कहते हैं हिंदी में, ध्यान दीजिएगा। आगे हैं अब हम प्रश्न संख्या 21 पर, और इसको भी करेंगे साल्व। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र अभी हमने बताया था NaHCO3, ये बात ध्यान दीजिएगा, याद जरूर रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, तो आपका आंसर है अम्लीय। एक विलयन का पीएच मान 3 है, विलयन कैसा होगा, अम्लीय, क्योंकि 7 से कम है। अम्लीय वर्षा के जल में संभावित पीएच की वैल्यू है, ये याद करने वाली बात है, 5.2, ठीक है, याद रखना। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, CO2, बेकिंग पाउडर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ब्लीचिंग नहीं, बेकिंग पाउडर की बात कर रहा है। अगला है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, तो हल्दी का रंग जो है भूरा लाल हो जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ऑप्शनल प्रश्न का है इस चैप्टर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं, तो मात्र 1, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4×1/2H2O, और 2 उधर कर दोगे तो 1H2O इसमें दिखेगा, तो 1 जल का अणु होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्रिस्टल में, ये बात ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।